हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। हाउ टू रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट्स को हम यूनिट के हिसाब से जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट। आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर करके भी आप गैपिंग ले सकते हैं, या फिर 1 इंच करके भी आप गैपिंग ले सकते हैं। अब हम 2P 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। 2 को हम सेंटर लेंगे और एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर हम 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये 0 को हम O रिप्रेजेंट करते हैं और 2 को हम A रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें AB एक मेजरमेंट लेना होगा जो कि इक्वल टू 1-2 होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट हमने लिया था। 1 यूनिट के हिसाब से हम इस लाइन को कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट के हिसाब से कट कर दिया और इसको हम मार्क करेंगे बी। नेक्स्ट की स्टेप में हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे। तो हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये रूट फाइव हुआ कि नहीं हुआ। चलिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वेरीफाई करते हैं। तो ओ बी इक्वल्स रूट ओवर ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। तो हमारे पास ओ ए कितना यूनिट है? ओ ए हमारे पास से 1-2 यूनिट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 2 स्क्वेयर कर देते हैं। और ए बी हमारे पास कितना यूनिट है? ए बी हमारे पास 1 यूनिट है, तो हमने यहाँ पे 1 स्क्वेयर कर दिया। तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1 इक्वल्स रूट फाइव। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रूट फाइव है। अब ओ को सेंटर लेते हुए और ओ बी को रेडियस लेकर हम अपने लाइन को कट करेंगे। तो हमारा लाइन यहां पे आके कट हो रहा है। तो नंबर लाइन पे ये जो पोजीशन है ये हमारा रूट फाइव। तो यहां देखिए रूट फाइव क्या है, 2 के नजदीक है और 3 से थोड़ा दूर है, 2 और 3 का बीच में। और हम जानते हैं रूट फाइव का वैल्यू क्या होता है, 2.23। रूट फाइव का वैल्यू हमें पता है 2.23। तो करीब करीब आ गया हमारा आंसर। तो ये था रूट फाइव, किस तरह से हम रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।